हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज 27 अक्टूबर है और आज का जो है करंट अफेयर हम अपडेट करेंगे। तो ये करंट अफेयर जो है आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजफुल होगा। अगर आप एसएससी, रेलवे के एग्जामिनेशन या किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर जो है फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद आईसीसीआई टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप एंड प्रमोट देयर लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा आपको जा सकता है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने जो है किसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो वो याद रखेंगे आईसीसीआई के साथ किया है और इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, इन्वेंटिव प्रीनर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो क्यों इन्होंने स्टार्टअप किए, ये क्यों इनके साथ जो है एग्रीमेंट किया है, ताकि ये सपोर्ट कर सके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, जिसे हम एसएमईज कहते हैं, एंड स्टार्टअप को भी जो है वो ये सपोर्ट कर सके एंड प्रमोट देयर लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज। सो अंडर दिस एग्रीमेंट आईसीसीआई विल ऑफर असिस्टेंट टू द बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन एवेल्यूएटिंग द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड स्टार्टअप फॉर लिस्टिंग द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोर्ड। तो यही पर जो है वो याद रखेंगे किसके साथ जो है वो एग्रीमेंट किया है। अगली न्यूज जो है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर बोला गया है अर्लियर इन 2020 आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी। एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी अंडर द चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर दीपक पाठक। तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रोफेसर दीपक पाठक जो थे उसके चेयरमैन बनाए गए थे कमेटी के। वे कमेटी क्यों बनाई थी, टू रिव्यू द करंट सिस्टम ऑफ क्विक रेस्पॉन्स कोड इन इंडिया। तो जो क्यूआर कोड होते हैं तो इनका रेस्पॉन्स चेक करने के लिए, इनका रेस्पॉन्स को रिव्यू करने के लिए जो है एक कमेटी जो है बनाई थी, ठीक है, एंड सजेस्ट मेजर फॉर मूविंग टुवार्ड द इंटरप्रोएबल क्यूआर कोड। तो ताकि जो है वो कमेटी जो है सजेस्ट भी कर सके कुछ मेजर्स इसके रिलेटेड। तो अब यहाँ पर जो है याद रखेंगे द टू इंटरपेरेबल क्यूआर कोड इन एग्जिस्टेंस, जो कि अभी तक हमारे पास यूपीआई क्यूआर कोड थे और भारत क्यूआर कोड थे, शल कंटिन्यू एट प्रेजेंट। तो ये जो है वो QR कोड जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, अभी भी रहेंगे ये QR कोड, इस कमेटी ने जो है ये सजेस्ट किया है। अब पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन यानी कि PSU डेट यूज प्रोप्राइटर QR कोड शेल शिफ्ट टू वन और मोर इंटरपोरेबल QR कोड। तो ये भी जो है PSU जो है यानी कि जो प्रोप्राइटर QR कोड जो है ये भी शिफ्ट हो जाएंगे इन्हीं QR कोड में, इनमें से एक में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2020 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं पे याद रखेंगे नो न्यू प्रोप्राइटर क्यूआर कोड शैल बी हेंसफोर्थ बी लॉन्च्ड बाय एनी पीएसओ फॉर एनी पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो कोई और नया जो है वो क्यूआर कोड जो है कोई भी जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे। अगली न्यूज जो है हमारे पास स्पोर्ट्स में से है और इसको याद भी रखेंगे, स्पोर्ट की न्यूज जो है इंपॉर्टेंट रहती है। तो लेविस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन हैज वॉन द 2020 पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि 2020 पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है, लेविस हैमिल्टन ने जो है वो जीती है, जो कि 25 अक्टूबर को 2020 को हुई थी। सो दिस वॉज द 12th राउंड ऑफ द 2020 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये कौन सा राउंड था, 12th राउंड था जो कि 2020 में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो लेविस हैमिल्टन है, दिस इज हैमिल्टन्स 8th विन ऑफ दिस सीजन। इस सीजन की जो है उनकी 8वीं जीत है और उनके करियर की जो है 92nd जो है वो रेस विक्ट्री है। अगली न्यूज जो है वो कवर करेंगे, यहाँ से उत्तर प्रदेश से न्यूज है। उत्तर प्रदेश बैग टॉप पोजीशन इन इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है उसमें जो है उत्तर प्रदेश ने टॉप पोजीशन ली है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सब निधि स्कीम याद रखेंगे इसे। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में दो तीन पॉइंट याद रखेंगे।
पहला पॉइंट जो होगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। सेकंड पॉइंट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो है आनंदी बेन जो है पटेल जो है वो इनके गवर्नर हैं। तो इस न्यूज़ के बाद जो है अगली न्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगली न्यूज़ हमारे पास है कोविड-19 नो टॉलरेंस फाइट। तो ये एक मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है, कोविड-19 नो टॉलरेंस फाइट। इट इज ऑब्जर्व बाय द मिजोरम को गवर्नमेंट फ्रॉम 26 अक्टूबर 2020। तो 26 अक्टूबर 2020 से कौन सी गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है? मिजोरम गवर्नमेंट। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि कोविड-19 नो टॉलरेंस फाइट जो है वो किसने स्टार्ट की है। तो ये याद रहे वो 26 अक्टूबर 2020 को जो है मिजोरम की गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट की है। अब इसका एम क्या है वो भी जान लेते हैं। द एम बिहाइंड दिस इज टू मेंटेन द कंटेनमेंट मेजर टू फ्लैटन द राइजिंग कर्व ऑफ द कोरोना वायरस इन द स्टेट। कोरोना वायरस के केसेस जो है वहां पर बढ़ रहे हैं, तो उसी कर्व को जो है स्ट्रेट करने के लिए, फ्लैटन करने के लिए, ताकि केस कम हो जाए, तो इसके लिए एक मिशन इन्होंने नो टॉलरेंस फाइट स्टार्ट किया है। इसी से कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेंगे कि यहाँ पर मिजोरम से जो है वो क्या है। पहला के यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका नाम क्या है, जोरम थंका जो है इनके चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो क्या है, पीएस श्रीधरन पिल्लाई जो है वो यहाँ के गवर्नर है, कहाँ के, मिजोरम के। अगले ही न्यूज़ हम जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ से न्यूज़ हमारे पास है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जो है, टोयोटा मोटर जो हैज पार्टनर्ड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है, इनके साथ जो है वो पार्टनरशिप जो है वो की है। देयर फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा विल बी प्रेफर्ड फाइनेंशियर फॉर दिस ब्रांड ऑफ द व्हीकल मोटर। याद रखेंगे और इसी से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी देख लेंगे। हेडक्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ पर है, गुजरात वडोदरा में है। चेयरमैन बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, हसमुख अधिया है। एमडी एंड सीईओ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, संजीव चड्ढा है। और इसी बैंक की जो है वो टैगलाइन भी देख लेंगे। बैंक की टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ये इंडियाज इंटरनेशनल बैंक जो है वो इस बैंक की टैगलाइन है। अगली न्यूज जो है वो कवर करेंगे। हाँ, उससे पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी जो हमने स्पोर्ट्स से लिया था, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द प्रोटोग्यूस ग्रांड प्रिक्स 2020। और हम सभी जानते हैं उसका नेम अभी हमने पढ़ा है, लेविस हैमिल्टन। अब एक और न्यूज है, तो ये न्यूज हमारे पास जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। बेसिकली जो है इन्होंने जो है सर्वे किया हिमालयन ब्राउन बियर का, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज अ रिपोर्ट ऑफ इट्स सर्वे ऑन द हिमालयन ब्राउन बियर। अब इस सर्वे के मुताबिक क्या है, ए मैसिव डिक्लाइन ऑफ अबाउट 73% इन द हैबिटेट ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर विल बी सीन बाय 2050। तो 2050 तक जो है 73% जो है हिमालयन बियर की जो है हैबिटेट में जो है डिक्लाइन जो है वो होगा। द सर्वे वॉज कंडक्टेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में जो है वो ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। दिस हैबिटेट वॉज कंसिडर्ड फॉर देयर सर्वे एज हिमालयन ब्राउन बियर आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप कॉर्निवर ऑफ द हिमालयन रीजन। तो ये क्यों लिया है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन में जो है ये वहाँ के टॉप कॉर्निवरस है, तभी जो है इस रीजन को, वेस्टर्न हिमालय को जो है इन्होंने सेलेक्ट किया था कि यहाँ पर हम सर्वे करेंगे। अगली न्यूज जो है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक से है। अभी जो हमने जो है ऊपर जो है एक डिस्कस किया था वो आईसीसीआई था, ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ऑप्शन में अगर ये भी दे दिया तो याद रखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो है अपना ऑपरेशन श्रीलंका में जो है वो बंद कर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन द श्रीलंका आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द श्रीलंकन मॉनिटरी अथॉरिटी। तो इन्हें फाइनली जो है श्रीलंका की मॉनिटरी अथॉरिटी ने जो है इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है, ताकि अब ये अपना ऑपरेशन जो है वहाँ पर बंद कर सके। सो द मॉनिटरी बोर्ड ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्रीलंका हैव कंसिडर द रिक्वेस्ट मेड बाय आईसीआईसीआई बैंक हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू क्लोज डाउन द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द बैंक इन द श्रीलंका एंड कैंसिल द लाइसेंस इशू टू इट। अगली न्यूज देखेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट कवर कर लेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है।
इस वक्त इनके जो सीईओ है और इनके एमडी जो है वो कौन है, संदीप बख्शी है। तो इनकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ख्याल आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे टैगलाइन क्या है इसकी, हम है ना ख्याल आपका, ये जो है इसकी टैगलाइन है, ठीक है। तो अगली न्यूज, चलो इतनी ही न्यूज जो है, हमारे 10 मिनट जो है कंप्लीट हो गए हैं और हम हर दिन जो है 10 मिनट का ही सेशन करते हैं। तो आज के करंट अफेयर यही थे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के अलावा जो है फेसबुक, ये हमारा पेज है होम एकेडमी के नाम से, जिसमें हम एग्ज़ाम रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं। और इंस्टाग्राम भी हमारा जो है इसी नेम से है, यही लोगो मिलेगा आपको, आप जो है उसे ज़रूर जो है वो फॉलो कीजिए, एक बार विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।